सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। नमस्कार, इस वक्त की बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के जनपद मथुरा से आ रही सीधे राधा गुल मोड़ पर ड्यूटी करे गार्ड को बदमाश डंडा मारकर और मारपीट कर तीन नकाबपोश बदमाश राइफल बंदूक छीन कर भाग गए। घटना मथुरा थाना हाईवे क्षेत्र के गोवर्धन रोड स्थित करवी रात 1:30 बजे की बताई जा रही, जहां गार्ड राम प्रकाश श्री राधा गुल मोड़ पर ड्यूटी कर रहे थे। ड्यूटी के दौरान तीन नकाबपोश बदमाशों ने गार्ड में डंडा मारकर वो मारपीट कर राइफल छीन ले गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मथुरा से हमारे सहयोगी मनीष शर्मा की खास रिपोर्ट। बीती रात्रि लगभग 1:45 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिली कि एक ये आउटस्कर्ट पर कॉलोनी है जिसमें गार्ड रहते हैं। कुल 5 गार्ड थे। एक गार्ड वहाँ गेट पर अकेले बैठा हुआ था। 3 लोग आए और उससे राइफल छीन कर ले गए। पुलिस के द्वारा अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अभियुक्तों की तलाश में जगह जगह दबिश की कार्यवाही चल रही है और शीघ्र ही घटना के अनावरण किया जाएगा। अजय नाम है मेरा। ये कौन सी जगह? ये श्री राधा गुलमोर सतोआ। रात को क्या घटना हुई और किसके साथ में? रात को 3 लोग नकाबपोश आए थे और लाठी के बल पे हमारे गनमैन की राइफल छीन ले गए। गनमैन का नाम क्या था? राम प्रकाश नाम था उनका। आपको जानकारी कब हुई, कैसे हुई? मुझे तो जानकारी सुबह मिली थी। मैं तो दिन ड्यूटी करता हूँ और राम प्रकाश गनमैन रात को ड्यूटी करते हैं। तो कोई हाथापाई वगैरह ऐसा कुछ किया है बदमाशों ने? बदमाशों ने लाठी चार्ज किया सीधा आते ही। लाठी चार्ज करने के बाद गनमैन बेहोश हो गया, उसकी राइफल लेकर छीन के ले गए। मतलब किससे आए थे बदमाश? कोई वाहन था? बदमाश पैदल आए थे। उसके बाद पुलिस को कोई सूचना कोई आया? पुलिस को सूचना दी, सुबह पुलिस आई है और एसपी सिटी भी आए हैं। घटनास्थल पर घटना को लेकर क्या कहना है प्रशासन का? प्रशासन ने रिपोर्ट लिख ली है और अपनी कोशिश कर रहे हैं।